नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास। टुडे वी विल लर्न माय इंग्लिश बुक वन स्टैंडर्ड वन। सो ओपन पेज नंबर 33। वी विल स्टार्ट फ्रॉम 4.4, लेट्स स्पीक। ओके, तो आज हम लेट्स स्पीक पढ़ेंगे। लेट्स स्पीक में क्या है बच्चों, यहाँ पे हमको कुछ वर्ड्स है जो हमें बोलने हैं, लिसन एंड से। तो मैं जो बोलूँगी उसे लिसन, सुनो और बोलो, ठीक है। कैन यू ड्रॉ अ बॉल, क्या आप बॉल ड्रॉ कर सकते हैं, बॉल का चित्र बना सकते हैं। कैन यू ड्रॉ अ बॉल, तो ये लड़की क्या बोलती है, येस आई कैन। टीचर इज आस्किंग कैन यू ड्रॉ अ बॉल, क्या तुम बॉल ड्रॉ कर सकती हो, बॉल बना सकती हो। तो ये बोलती है येस आई कैन, हाँ मैं कर सकती हूँ। अब यहाँ पर एक लड़की देखो अपने फ्रेंड से पूछ रही है, कैन यू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो। नो आई कांट, नहीं मैं नहीं तैर सकता। नो आई कांट। सो दीज टाइप ऑफ वर्ड्स हम लोग को बोलने हैं, इसी टाइप वर्ड्स के, जैसे क्वेश्चन आंसर्स टाइप की, डू यू लाइक एप्पल, तो बोलते हैं नहीं, येस आई लाइक, येस आई डू। तो उसी तरह से यहाँ पे भी क्वेश्चन ही है, कैन यू स्विम, क्या तुम स्विमिंग कर सकते हो। नो आई कांट, मैं नहीं कर सकता। कैन यू सिंग, क्या तुम गा सकते हो। तो ये बोलता है येस आई कैन, मैं गा सकता हूँ। कैन यू सिंग, क्या तुम गा सकते हो। येस आई कैन, हाँ मैं गा सकता हूँ। कैन यू ड्रॉ अ टेबल, क्या तुम टेबल बना सकती हो। टेबल मींस क्या होता है, जैसे अब यहाँ पे टेबल, हम अभी जैसे टाइम टेबल भी होता है तो उसके लिए हमें टेबल बनाना पड़ता है। यहाँ पे जैसे कौन से डे के लिए, डे हो गया, डेट हो गया, यानी कौन से तारीख को, और यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। तो ये दिस टाइप ऑफ टेबल्स, इसको हम टेबल्स ही बोलते हैं। तो इस प्रकार का टेबल तुम बना सकती हो। कैन यू ड्रॉ टेबल, क्या तुम टेबल बना सकती हो। तो ये क्या बोलती है, नो आई कांट, नहीं मैं नहीं बना सकती। तो जो चीज़ हमें नहीं आती तो हम उसको बोल सकते हैं नो आई कांट, और जो चीज़ हमें आती है उसे हमें बोलना है येस आई कैन, हाँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है। कैन यू क्लैप, क्या तुम क्लैप कर सकते हो। क्लैप यानी क्या होता है बच्चों, ताली। क्या तुम क्लैप, ताली बजा सकते हो। येस आई कैन, वेरी इजी इट इज़ ना, तो बोलेंगे ना येस आई कैन, हाँ मैं ताली बजा सकता हूँ। कैन यू जम्प, क्या तुम जम्प कर सकते हो। बच्चों जम्प का मतलब क्या होता है, कूदना। कैन यू जम्प, तो ये इसे आता है इसलिए ये बोलेगा येस आई कैन, ठीक है। तो यहाँ पे जिसे जो चीज़ आ रही है उसे बोलना है येस आई कैन, जिसे नहीं आता है नो आई कांट। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, कैन यू ड्रॉ अ बॉल, क्या आप बॉल ड्रॉ कर सकती हो। तो क्या बोला इसने, येस आई कैन। कैन यू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो। नो आई कांट, नो आई कांट। हाँ, कैन यू सिंग, क्या तुम गा सकते हो। येस आई कैन। हाँ, कैन यू ड्रॉ टेबल, टेबल ड्रॉ कर सकते हो। नो आई कांट, हम मुझे टेबल ड्रॉ करने नहीं आता, इसका मीनिंग यही है नो आई कांट। कैन यू क्लैप, क्या तुम क्लैप कर सकते हो। येस आई कैन, क्लैप यानी ताली बजाना, येस आई कैन। कैन यू जम्प, क्या तुम जम्प कर सकते हो। येस आई कैन। तो ये लेसन आज लेट्स स्पीक, जिसमें छोटे छोटे वर्ड्स हमको स्पीक करना है, इसे हम अपने डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, कैन यू कुक, क्या तुम खाना बना सकते हो। तो जिसे आता है वो बोलेगा येस आई कैन, और जिसे नहीं आता वो क्या बोलेगा, नो आई कांट, ठीक है। चाहे वो कुक करने की बात हो, या फिर कुछ वॉश करना है, धोना है, उसके बारे में हो गया, या फिर कुछ ड्राइंग बनाना है, कैन यू ड्रॉ फ्लावर, तो क्या तुम फ्लावर बना सकते हो, फूल। तो अगर जिसे आता है वो बोलेगा येस आई कैन, जिसे नहीं आता है वो क्या बोलेगा, नो आई कांट। तो आज हम लोग ने येस आई कैन, नो आई कांट, ये टू वर्ड्स हम लोग ने आज, जो टू सेंटेंसेस थे, ये आज हम लोग ने क्लियर किया बच्चों। तो दिस टाइप ऑफ स्मॉल वर्ड्स यू शुड यूज़ इन योर डेली लाइफ के लिए यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो आज हमारे ये ऑनलाइन क्लास यहीं तक था, अब हम अपने अगले ऑनलाइन क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।